नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंद में होंगे। भगवान एक ऐसी शक्ति है, भगवान एक ऐसी पवित्र चीज है। चीज कहना तो बहुत छोटी बात हो गई मेरे पास, मैं ये कहूँ भगवान एक ऐसी परम शक्ति है जिस शक्ति के आगे सभी नतमस्तक है। भगवान जब देने को आते हैं तो दिल खोल कर देते हैं, और जब भगवान लेने को आते हैं तो दिल खोल कर ले भी लेते हैं। सुबह आँख खुलेगी तो अच्छी अच्छी खबरें मिलने लगेंगी, सुबह आँख खुलेगी तो तूफान आने लगेगा जीवन में। भगवान का काम है सुनना, भगवान आपकी सुनते हैं। आप जो भी कुछ कहते हैं, आप जो भी चीज मन में कहते हैं वो भी भगवान सुनते हैं, आप जो भी चीज दिमाग में सोचते हैं वो भी भगवान सुनते हैं, आप जो बोल कर कहते हैं वो भी सुनते हैं। भगवान तो आपके भावों को पहचान जाते हैं, आपके हृदय में जो भाव चल रहे हैं उनको भी पहचान जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि बोलने से ही नहीं होता, सोचने से भी अच्छा और बुरा होता है। तो सोच अच्छी रखिए, वो चाहे किसी इंसान के प्रति हो, महिला के प्रति हो, पुरुष के प्रति हो, जानवर के प्रति हो, सोच अच्छी रखिए। अगर आपकी सोच अच्छी है तो आपके कर्म अच्छे होंगे, और आपके कर्म अच्छे हैं तो सफलता आपकी होगी। तो तुला राशि वाले जातक जातिकाओं के लिए जुलाई के महीने में सफलता की वो कौन सी ऐसी नदी बहेगी जिसमें आप गोते लगाएंगे सफलता के? गंगा नदी में जब आप स्नान करते हैं तो नाक बंद करके डुबकी लगाते हैं, बोलते हैं हर हर महादेव। इसका मतलब होता है कि आत्मा पवित्र हो गई। तो ऐसी पांच कौन सी शुभ डुबकियां हैं जो आप हर हर महादेव करके लगाएंगे और बढ़िया फल प्राप्त करेंगे? ये कौन से ऐसे ग्रह हैं जो आपको नाम, पैसा, इज्जत, शोहरत सब कुछ देंगे जुलाई के महीने में? ये गोचर कुंडली आपके समक्ष है। ये जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ ये चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित है। कुंडली पर एक नजर मारिए। पहला शुभ संकेत क्या है वो बताऊं, उससे पहले मैं ये कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लें। तो आपको जो पहला शुभ संकेत मिल रहा है वो शुक्रदेव की कृपा से मिल रहा है। शुक्रदेव आपकी राशि के स्वामी भी हैं। 13 जुलाई को शुक्रदेव नवम भाव में होंगे। नवम भाव देव गुरु बृहस्पति का भाव है। शुक्र को भी जब अपने काम बनाने होते थे ना तो वो कहते थे कि गुरु की दृष्टि पड़े, क्योंकि गुरु की दृष्टि शुभ होती है। गुरु की दृष्टि जहां पर पड़ती है वो भाव बढ़िया हो जाता है, वो चीज बढ़िया हो जाती है, उसमें टिकाव आ जाता है। शुक्र भी ज्ञान है, गुरु है, और गुरु भी गुरु है, तो दो गुरु एक साथ हो जाएंगे तो दो गुरुओं में बहस हो सकती है लेकिन सम्मान में कमी नहीं हो सकती। और गुरु कभी किसी का बुरा नहीं करता, चाहे वो आपका हो, चाहे मेरा हो, चाहे किसी का भी हो। तो गुरु के घर में जब एक दूसरा गुरु बैठेगा तो सम्मान पूर्वक बैठेगा, जबरदस्त लाभ होगा, पारिवारिक व्यापार बढ़ेगा, और बड़ा होगा पारिवारिक व्यापार, व्यापार में तरक्की होगी। आप अपने पिता के भाग्य से धन कमाएंगे, पिता का भाग्य चमकेगा। नौकरी में है पिताजी तो नौकरी अच्छी होगी, पिताजी का काम छूटा हुआ है, पिताजी को तकलीफ है तो वो दूर हो जाएगी, घर में सुख संपदा आएगी। नौकरी हो या व्यापार तरक्की होगी। जल्दबाजी में किए गए काम शैतान के होते हैं तो जल्दबाजी मत करिएगा, किसी भी काम में जल्दबाजी ना दिखाएं। जब तक काम आराम से बन रहे हैं तब तक आराम से बनने दीजिए, जल्दबाजी क्यों दिखाते हैं। शिक्षा में बढ़ोतरी होगी, विदेश जाकर आप किसी शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं, नौकरी को ग्रहण कर सकते हैं, MNCs में जा सकते हैं, विदेशी दुल्हन को घर ला सकते हैं, विदेशी दुल्हा आपके घर में आ सकता है, यानी शादी की बात पक्की हो सकती है। प्यार में दिल किसी को दे सकते हैं, किसी का दिल जीत सकते हैं। मेहनती होंगे,
अंतर जातीय विवाह भी करने से आप संकोच नहीं करेंगे, धार्मिक भी होंगे, धनी भी होंगे, कामकाज करने वाले होंगे, संपन्न व्यक्ति होंगे, बदलाव जरूर आएगा, जो गलत है वो बदल जाएगा, चाहे वो घर में गलत हो रहा हो, बाहर गलत हो रहा हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे व्यापार में हो, अब सब कुछ बढ़िया होगा। अब इज्जत के साथ पैसा आएगा, अच्छी कमाई आएगी, जिस कमाई का सदुपयोग करके आप और बलवान होते चले जाएंगे, तिजोरी खाली नहीं होगी इस कमाई से। दूसरा शुभ संकेत आपको प्राप्त हो रहा है बुद्ध देव की कृपा से। 2 तारीख को बुद्ध भाग्य स्थान में चले जाएंगे, धर्म कर्म ईश्वर में आपका झुकाव बढ़ जाएगा, आप लोगों की जरूरतों को समझ पाएंगे, लोगों की मदद करेंगे, दयालु होंगे, आप भक्ति में लीन होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छी करेंगे, नौकरी भी कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो उसमें लीन हो जाएंगे, यानी काम चोरी नहीं करेंगे, आपके घर के काम अच्छे होंगे, बाहर के काम अच्छे होंगे, लोगों की मदद करेंगे, पिता या बॉस का सहयोग आपको प्राप्त होगा, पिता की सेहत का थोड़ा ध्यान रखिए, पिता की तरक्की होगी, विदेश जाकर पढ़ाई हो सकती है, मनपसंद नौकरी, मनपसंद छोकरी, शिक्षा, अच्छी MNCs कंपनी, अच्छा संस्थान आपको प्राप्त होगा, आपका काम बढ़िया होगा, शानदार होगा, आप अपने काम के प्रति अपनी ईमानदारी दिखाएंगे, अपनी बेहतरीन छवि को बनाकर रखेंगे, दुनिया में आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपके काम को प्रोत्साहन मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, प्रमोशन और प्रोत्साहन दोनों मिलेगा, आप अपनी आवाज को बुलंद कर पाएंगे, आपकी आवाज को कोई दबा नहीं पाएगा, दिल की बात जुमा पर आएगी, घर से दूर जाकर सफलता मिलेगी, दुनिया में जान पहचान बढ़ेगी, गजब का काम करेंगे, जो लोग लिखते हैं या जो लोग सोचते हैं, सोच और लिखावट, देखिए एक कहानीकार के लिए ये दुनिया छोटी है, एक सोच के लिए भी ये दुनिया छोटी है, व्यक्ति इस दुनिया से बाहर की सोच पे जा रहा है, धरती पे बैठा है, मंगल की बात करता है, इंसान ही है वो, तो आपकी सोच भी बढ़िया होगी, आपके काम भी बढ़िया होंगे, आप फ्री थिंकर होंगे, फ्री थिंकर, कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी नया पर ये धरती को दे सकते हैं, दुनिया को दे सकते हैं, बढ़िया, गजब का काम करेंगे, गजब, चांदी गले में पहन लें, चांदी की अंगूठी कड़ा पहन लें, जब भी आप इस दौरान नए कपड़े खरीदने जाएं, मॉल में शॉपिंग करें या कुछ भी, नए कपड़े खासकर शर्ट टी शर्ट कुर्ता पजामा कुछ भी, तो एकदम जैसे आप लोग मॉल वगैरह में जाते हैं ना, कपड़े बदल बदल के देखते हैं, ये वाला फिट आया कि नहीं आया, वो वाला फिट आया कि नहीं आया, ये वाला ले लें, साइज छोटा था बड़ा, ये अच्छा लाल अच्छा लग रहा है कि पीला अच्छा लग रहा है शरीर पर, ये सब मत करिएगा, जो आपका साइज है, जो आपको पसंद है वो ले लीजिएगा, और कपड़ा खरीद के लाने के बाद घर में उसको धो लीजिएगा, वॉशिंग मशीन में धोएं, हाथ से धोएं, जैसे भी धोते हैं, फिर प्रेस करा कर पहनिएगा, कोरा कपड़ा मत पहनिएगा, और ये जो बार बार कपड़े अगर आप बदलेंगे ना मॉल में या दुकानों पर जाके कहीं पर भी, तो आपको नुकसान हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। तीसरा शुभ संकेत जो आपको प्राप्त होगा वो बुध जब 10वें घर में चले जाएंगे, फिर बुध मेहरबान, जुलाई में आपको बुध बहुत कुछ देने वाले हैं, आपके लिए जुलाई को बेहतरीन बनाने वाले हैं बुध, बेहतरीन वक्त होगा, आपकी पेशेवर जिंदगी बहुत ही शानदार होगी, सेल्स या मार्केटिंग की लाइन में आप छाए रहेंगे, अगर हैं आप ऐसा कोई काम करते हैं, बेचने का काम करते हैं, जुबान से बेचने का काम बहुत अच्छा चलेगा, सेल्स जैसे BPO की जॉब हो गई, फोन पे ही चीजें बेच रहे हैं, प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ऐसी सेल्स बहुत अच्छी होगी, बैंक में सेल्स होती है वो अच्छी होगी, गाड़ी बेच रहे हैं वो अच्छा होगा, कापी किताब बेचते हैं, स्टेशनरी बेचते हैं, कुछ भी ऐसी चीज जो ऐसे बुध से संबंधित व्यापार है, जैसे कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह है कैलकुलेशंस के, वो सब बहुत अच्छा बिकेगा, कैलकुलेटर वगैरह जो होते हैं सब बहुत अच्छे बिकेगी, तो बहुत अच्छा रहेगा ये सब, तो नौकरी में बदलाव होगा, सेल्स मार्केटिंग की लाइन में तरक्की होगी, फलदायी परिणाम एक के बाद आप एक मिलेंगे, करियर बनाने का अवसर मिलेगा,
बेरोजगार को भी नौकरी मिलेगी, फ्रेशर को भी नौकरी मिलेगी, पैसे का सही इन्वेस्टमेंट करके पैसे से पैसा बनाएंगे, घर में सुख सुविधाएं आएंगी, गंभीरता से बड़े बड़े निर्णय लें, सफलता पाने के लिए सुखों का त्याग भी आप कर लेंगे, सफलता नंबर वन पे रहेगी, बाकी सुख त्याग देंगे, एक बार रोटी नहीं खाएंगे लेकिन काम करेंगे, बुद्धि का सही इस्तेमाल करेंगे, सही जगह पर इस्तेमाल करेंगे, चाहे नौकरी बदलनी ही क्यों ना पड़े बदलेंगे, अपनी औकात के हिसाब से नौकरी करेंगे, व्यापार में समझौते करेंगे, शर्तों पर करेंगे, सही शर्तों पर करेंगे, गलतियां करेंगे पर रुकेंगे नहीं, ठोकरें खाएंगे पर रुकेंगे नहीं, सब कुछ पालेंगे, सीखेंगे, जो गलती एक बार कर देंगे उससे सीख लेंगे, दोबारा वो गलती नहीं होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप रुक जाएंगे, डरेंगे नहीं, आप अपने दिल की बात दुनिया तक पहुंचा देंगे कि लो मैं आ गया, अब मैं करके रहूंगा या करके रहूंगी। चौथा शुभ संकेत आपको प्राप्त होगा सूर्यदेव की कृपा से, सूर्यदेव 16 जुलाई को दशम भाव में होंगे, पहले नवम भाव में थे फिर दशम में चले जाएंगे, तो पूरे महीने बढ़िया है, भाग्य भी चमकेगा, कर्म भी चमकेगा, सफलता भी आपको मिलेगी, आशीर्वाद सूर्य का मिलेगा, पिता का आशीर्वाद मिलेगा, कार्य क्षेत्र में प्रमोशन होगी, नौकरी लग जाएगी, सरकारी उच्च अधिकारियों से मिलना जुलना होगा, भाग्य प्रबल होगा, सरकारी काम बनेंगे, घर में वाहन आएगा, वाहन एक है तो दूसरा आएगा, सेल्स मार्केटिंग की जॉब बहुत बढ़िया रहेगी, जो भी सेल्स और मार्केटिंग वाले लोग हैं, जो लोग हवा में चीजें बेचते हैं, हवा में बेचने वाले कौन लोग होते हैं, जैसे अभी मकान बना नहीं लेकिन पहले ही प्लॉट बेच दिया कि भाई साहब देखिए यहाँ घर बनेगा, एक मंजिल दो मंजिल, कागजों में चीजें दिखाकर बेच दी, जुबानी तौर पे चीजें बेच दी, ऐसे काम जो भी हैं बहुत बढ़िया रहेंगे। लोग कहते हैं ना अभी लगाइए साहब, अभी हर महीने 1000 रुपये लगाइए, 10 साल तक लगाइए, 21-20 साल में 1 करोड़ मिलेगा, ऐसी चीजों वाले लोगों को फायदा होगा। पांचवा शुभ संकेत जो है वो आपको प्राप्त हो रहा है बुध और शुक्र की युति से, नवम भाव में होगी, 13 से 17 तारीख के बीच में, 5 दिन आशीर्वाद के होंगे, विशेष आशीर्वाद के, ये 5 दिन विशेष हैं, भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा होगी आपके ऊपर, ये 5 दिन आपको वो सब कुछ दे देंगे जो आपको शायद कभी भी ना मिला हो, ये वो 5 दिन हैं जो आपको धनवान बना देंगे, ज्ञानवान बना देंगे, जीवन का हर सुख दे देंगे, ये वो 5 दिन हैं जब ईश्वर आपके ऊपर अमृत वर्षा करेंगे, ये वो 5 दिन हैं जब आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, ये वो 5 दिन हैं जब आपकी जुबान से निकली हुई हर एक इच्छा पूरी होगी, ये वो 5 दिन हैं जब संतान का सुख मिलेगा, ये वो 5 दिन हैं जब नौकरी का सुख मिलेगा, ये वो 5 दिन हैं जब रोग दूर होंगे, ये वो 5 दिन हैं जब खुशियों के आंसू बहेंगे, ये वो 5 दिन हैं जब घर में शहनाई बजेगी, ये वो 5 दिन हैं जब आप अपनों को गले लगाएंगे, ये वो 5 दिन हैं जब दोस्ती और गहरी होगी, ये वो 5 दिन हैं जब लक्ष्मी आपके घर में आके टिकेंगी, ये वो 5 दिन हैं जब विष्णु जी का आशीर्वाद मिलेगा, ये वो 5 दिन हैं जब कल्याण ही कल्याण होगा, ये वो 5 दिन हैं जब पिता पुत्र का मिलन होगा, गिले शिकवे दूर होंगे, ये वो 5 दिन हैं जब पति पत्नी का प्रेम बढ़ेगा, ये वो 5 दिन हैं जब प्रेमी प्रेमिका की नजदीकियां बढ़ेंगी, ये वो 5 दिन हैं जब बच्चे खेल कूद में आगे बढ़ेंगे, ये वो 5 दिन हैं जब आप देश विदेश की यात्रा कर सकते हैं, ये वो 5 दिन हैं जब आप अपने मन को पहचान जाएंगे और आपको खुशियां मिलेंगी, ये वो 5 दिन हैं जब आप दुनिया को प्यार की नजरों से देखेंगे, ये वो 5 दिन हैं जब आप ऐश करेंगे, ये वो 5 दिन हैं जब ईश्वर की भक्ति में आप लीन होंगे, ये वो 5 दिन हैं जब आप दुनिया के हर एक इंसान का सम्मान करेंगे, ये वो 5 दिन हैं जब आप खुश होंगे, ये वो 5 दिन हैं जिसमें हर पल आप ईश्वर को थैंक यू बोलेंगे, ये वो 5 दिन हैं जब आप अपनी गलतियों की माफी ईश्वर से और इंसान से मांगेंगे, ये वो 5 दिन हैं जब आप सफल हो जाएंगे, ये वो 5 दिन हैं जब आप पवित्र हो जाएंगे, और यही 5 दिन हैं वो जो आपको जीवन का हर सुख दे देंगे, यहीं से एक नई शुरुआत होगी जिसको बोलेंगे जीवन का
शुभारंभ हो रहा है। तो ये सफलता के 5 संकेत आपके जीवन में सफलता और खुशियां लेकर आएंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बेहतर है तो सब बेहतर है, सब कुछ बेहतर है। ईश्वर की प्रार्थना में डूब जाइए, ईश्वर की भक्ति में डूब जाइए, आगे बढ़िए। अब पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना है, आनंद ही आनंद है, परम आनंद है। कोई समस्या कोई परेशानी है तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें, मुझसे बात करें, मुझे आपसे बात करने में बहुत खुशी होगी, आपकी समस्याओं का हल निकालने में बहुत खुशी होगी, क्योंकि आप मेरे अपने हैं। और अपनों का दुख अगर ज्योतिष दूर कर सकता है तो मैं ज्योतिष का जानकार हूं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके संकट कम हो। बस आप फोन करें, अपॉइंटमेंट बुक कराएं और हम दोनों लोग मिलकर, आप तो लड़ ही रहे समस्या से, मैं भी आपकी समस्या से लड़ूंगा, और आप और मैं मिलकर समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, ऐसे बेहतरीन उपाय बताऊंगा। मिलाइए फोन और समस्याओं का खात्मा करिए। नमस्कार।